हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। इंडियन पुलिस फोर्स का हुआ टीजर आउट। फाइनली इंडियन पुलिस फोर्स का टीजर आउट हो चुका है और यहाँ पर शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार भी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या आप लोग हैं एक्शन के लिए तैयार? आपको बता दें, जो फिल्म है 19 जनवरी को शुरू होगी, वो भी अमेजोन प्राइम पर ये आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक न्यू सीरीज़ है इंडियन पुलिस फोर्स की, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी। डंकी फिल्म ने चटाई सलार को धूल। जी हाँ, जैसे कि डंकी और सलार के क्लैश से हर कोई वाकिफ है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, डंकी या फिर सलार कौन होगी बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे? तो ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो यहाँ पर डंकी फिल्म को कहा जा रहा है कि भले ही राजकुमार हिरानी की ये फिल्म हो, लेकिन शाहरुख खान के चलते लोग सिनेमाघरों तक इस फिल्म को आएंगे और शाहरुख खान की ही चर्चा हर किसी की ज़ुबान पर होगी इस फिल्म को देखने के बाद। जल्द रिलीज होगा फाइटर फिल्म का ट्रेलर। फाइटर फिल्म का टीजर, पोस्टर्स और एक गाना रिवील हो चुका है। अब ऐसे में जहां पर ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, तो दर्शकों का इंतजार है फिल्म के ट्रेलर का। वेल, आपको बता दें, अगले हफ्ते इस फिल्म का ट्रेलर भी रिवील होने वाला है, जिससे आपको कहानी और भी ज़्यादा डिटेलिंग में जानने का मौका मिलने वाला है। वेल, इस फिल्म की बात की जाए तो फाइटर फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर अहम किरदार में हैं, और इसके अलावा अभिषेक और करण सिंह ग्रोवर जैसे कलाकार भी आपको इस फिल्म का अहम हिस्सा दिखाई देंगे। सनी देओल जल्द शुरू करेंगे अपनी अगली फिल्म की शूटिंग। सनी देओल और राजकुमार संतोषी एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है लाहौर 1947। हाल ही में खबर आई थी कि मोना सिंह भी इस फिल्म का अहम हिस्सा होंगी। अब खबरों की माने तो ये फिल्म बहुत जल्द फ्लोर पर जाने वाली है, यानी कि अगले साल के स्टार्टिंग में ये फिल्म फ्लोर पर जाती हुई दे सकती है दिखाई। कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।